हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज का मतलब है वह वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, उसे हम जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज के अंतर्गत हम ये संरचना देख रहे हैं। इसमें सबसे ऊपरी भाग होता है वो सीड्स कहलाता है। सीड्स है वो न्यूक्लियोकैप्सिड का बना हुआ होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड में बाहरी जो आवरण है जो प्रोटीन का बना है वो कैप्सिड है, और अंदर की ओर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए बहाया जाता है। इस प्रकार न्यूक्लियोकैप्सिड मिलकर के इसके सीड्स का निर्माण करता है। इसके नीचे दूसरा भाग कॉलर पाया जाता है, जो कि आच्छद वाले भाग और शीश वाले भाग को जोड़ने का कार्य करता है। इसके नीचे तीसरा भाग है जो कि आच्छद पाया जाता है। आच्छद एक परत होती है जो कि एक खोखली बेलनाकार नलिका के ऊपर होती है। इस खोखली बेलनाकार नलिका के द्वारा डीएनए है वो नीचे भाग तक पहुंचता है। इसके नीचे आच्छद प्लेट होती है, आधार प्लेट कहलाती है। ये आधार प्लेट या बेस प्लेट है वो इसको आधार देने का कार्य करती है। अगला भाग है उसके तंतुपुच्छ। तंतुपुच्छ यानी टेल फाइबर। इसमें संख्या में 6 तंतुपुच्छ या टेल फाइबर होते हैं जो उसे परपोसी से चिपकने के अंदर मदद करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है उसे जीवाणुभोजी के नाम से जाना जाता है।